नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो आपको देते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बीजेपी ने तोड़ लिया है। जेडीयू के 5 विधायकों को भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू से भाजपा ने बदला ले लिया है। जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर है, सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार बिहार में क्या हुआ है सब। लेकिन बिहार की ये बात नहीं है, मणिपुर में जेडीयू को झटका दिया है भाजपा ने। देखिए, मणिपुर में जेडीयू एक अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और जेडीयू के 5 विधायकों को तोड़कर भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। साथ ही साथ मान्यता भी भाजपा विधायक के रूप में विधानसभा में मिल गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, बीजेपी के साजिशों को तब नीतीश कुमार ने नाकाम कर दिया था। जिस तरीके से भाजपा ने महाराष्ट्र में खेला किया, बिहार में भी भाजपा प्लानिंग में थी, लेकिन सीएम नीतीश इस चीज को पहले ही भांप गए और उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि वो महागठबंधन में जाएंगे। तेजस्वी यादव से उन्होंने बात की और बीजेपी को कह सकते हैं कि अकेला छोड़ दिया। सीएम नीतीश के साथ साथ महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक निर्दलीय विधायक भी महागठबंधन में आ गए और तेजस्वी नीतीश की सरकार बिहार में बन गई। लेकिन इसके बाद से ही बीजेपी हमलावर है नीतीश कुमार उनके पार्टी के खिलाफ। लेकिन इन सबके बीच बिहार में तो बदला भाजपा नहीं ले सकी, लेकिन मणिपुर में खेला कर दिया है। देखिए, विधायकों के क्या क्या नाम है, किस विधानसभा से आते हो आपको बता दें। ये खंग मिबंद निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे जेडीयू के खुमुकचम जॉय किशन सिंह, जो कि जेडीयू के थे, भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं तिपैमिक के विधायक नगुर संघ लूर सनाटे भी अब भाजपा के सदस्य हो गए हैं, भाजपा के ओर से विधायक बन गए हैं क्योंकि वो जेडीयू से थे और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं जीडी बाम के विधायक मोहम्मद अजब उद्दीन भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बांखेई निर्वाचन क्षेत्र के विधायक थंग जाम अरुण कुमार भी अब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। विधायक एलएम चुरा चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार को बड़ा झटका भाजपा ने दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मणिपुर में जेडीयू को तोड़ दिया है। बड़ी खबर है बीजेपी ने, देखिए बिहार का बदला लिया है ये भाजपा ने और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। और ये साफ तौर पर संकेत है कि आप बिहार में आए और हम बिहार का बदला जो है सो मणिपुर में ले लिए। लेकिन मणिपुर में जो है वो जिस तरीके से ये झटका दिया है बीजेपी ने, साफ तौर पे नीतीश कुमार को संकेत भी दिया है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आपको ये भी बता दें कि मणिपुर में जेडीयू के कुल 6 विधायक थे, जिसमें 5 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। और भाजपा पहला मौका नहीं है जब जेडीयू को चकमा दे रही हो, धोखा दे रही हो, जेडीयू से बदला ली हो। अरुणाचल प्रदेश में भी 6 जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया था। तब बिहार में गठबंधन थी बीजेपी के साथ। लेकिन नीतीश कुमार जिस चीज को भांपे, जिस चीज को साजिश समझकर बाहर हो गए एनडीए से, वो बदला बीजेपी ने मणिपुर में लिया है। 6 में से 5 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। फिलहाल अपडेट बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद।